अस्सलामुअलैकुम। आज नौशीन किचन में बन रहे हैं वन बाइट रोल, जो कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा किलो चिकन बॉईल होने के लिए रख देते हैं और इसमें एक गट्ठी देसी लहसुन की छीलकर डाल दें और एक खाने का चम्मच नमक का डालें और तकरीबन आधे से एक गिलास पानी का डालकर 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को गलने के लिए रख दें। इन सब्जियों को अब बारीक बारीक काट लेते हैं, जिसमें एक गाजर को सबसे पहले बारीक बारीक काट लें, इसी तरह से एक शिमला मिर्च के स्लाइस कर लें और एक छोटा फूल बंद गोभी का भी लेकर बारीक बारीक से काट लें। इसके बाद एक दरमियाने साइज के प्याज के स्लाइस कर लें। ये देखें, हमारी तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग हो गई है। चिकन अच्छी तरह से पक जाए तो उसे एक बर्तन में निकालकर हाथ या चम्मच की मदद से श्रेड कर लें। अब एक पैन में 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल के डालें। इसमें एक दरमियाने साइज के प्याज को डालकर तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करें। अब इसमें मटर के साथ 1 गिलास पानी का डालकर मटर को तकरीबन 10 मिनट तक पकाएं ताकि ये गल जाएं। अब इसके अंदर मसालों में 1 से 1/2 चाय का चम्मच नमक का डालें और साथ ही 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स का डाल दें और हल्दी इसमें 1 या 1/2 खाने का चम्मच डालें। जीरा भी 1 या 1/2 खाने का चम्मच डाल दें। एक आलू को बारीक बारीक काट कर डाल दें या उबाल कर और मैश करके डालें। इसके बाद 7 से 8 हरी मिर्चों को भी डाल दें, जो पहले हमने चिकन को श्रेड करके रखा था वो भी इसमें डाल दें। एक गाजर के भी बारीक बारीक पीसेस इसमें डाल दें। इन सब्जियों को चम्मच की मदद से आपस में मिक्स करें। एक कटी हुई शिमला मिर्च को भी डालें और साथ ही बंद गोभी को भी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब मैदे की रोटी बनाने के लिए 1 कप मैदा लें और उसमें 1 या 1/2 चाय का चम्मच नमक का डालें और उसे आम आटे की तरह पानी से गूंद लें और 10 से 15 मिनट के बाद मैदे में से एक पेड़ा ले लें। जहां रोटी को बेलना हो वहां 1 चम्मच की मदद से खुश्क मैदे को छिड़कें। अब बेलन की मदद से रोटी को बड़ा करना शुरू करें और इस मैदे वाली रोटी के ऊपर कलवंजी की 1-1 चुटकी दोनों साइड्स पर छिड़क दें। जब ये बड़ी सी 1 रोटी बन जाए तो छुरी या पिज्जा कटर की मदद से काट लें। इस रोटी के किनारों को मैदे का पेस्ट या पानी का ब्रश लगाएं ताकि रोल बनाते वक्त इसके किनारे आपस में अच्छे तरीके से चिपक जाएं। अब इस सब्जी और चिकन वाले मसाले को रोटी पर इस तरह से रखें। और थोड़ा टाइट हाथ से रोल करते जाएं। अब एक पैन में ऑयल को गरम करें और 1-1 करके इन तमाम रोल्स को इसमें डाल दें और 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर यानी दरमियानी आग पर आप इसे गोल्डन ब्राउन करें और 1 से 2 मिनट के बाद इसको टर्न कर दें और फिर दोबारा इसको आप 1 से 2 मिनट दूसरी साइड को फ्राई करें। ये देखें, जब ये इस तरह के गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इन्हें आप ऑयल से निकाल लें। ये देखें, हमारे जबरदस्त से कलवंजी वाले रोल तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सबसे बढ़ के मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।